शर्मा टेल सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, एड विशेष का एन एस दत्तू के लिए बनाया गया है जो 10th क्लास में पढ़ते अर्जुन का विषय हिंदी। आज इस वीडियो में चैप्टर 6 के मैं कुछ जरूर क्वेश्चन से कराने वाला हूँ। तो चलिए, ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैप्टर का नाम जो हमारा बनता है भारत की बहादुर बेटियाँ बनता है। तो इस चैप्टर में मेरे लिए हमें कहते क्या है कि दो भारत की बहादुर बेटियों के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी है? सबसे पहले हमें इसमें बताया गया है हमें यहाँ पर कल्पना चावला के बारे में, और दूसरी हमारी बनती है हमारी जो है बचेंद्री पाल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कल्पना चावला के बारे में बताना चाहूँगा, उसके बाद बचेंद्री पाल के बारे में थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, ताकि जब इनके क्वेश्चन आंसर को समझे तो वो समझने में क्या हुआ हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कल्पना चावला के बारे में। जैसे कि अगर मैं कल्पना चावला के बारे में आपको बताना चाहूँ, तो कल्पना चावला हरियाणा राज्य के करनाल शहर की रहने वाली थी। इनका जन्म 1 जुलाई 1961 को एक साधारण परिवार में हुआ था। जब वे 11वीं पढ़ रही थी, तब अमेरिका अंतरिक्ष यान बकिंगम मंगल ग्रह पर उतरा था। इससे वे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने परियोजना में मंगल ग्रह को दर्शाया। उन्होंने 1982 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और घर वालों के अच्छे खासे विरोध के बाद अमेरिका गई। वहाँ टेक्सास विश्वविद्यालय से उन्होंने MS की डिग्री प्राप्त करी। इसके बाद जब अमेरिका कोलंबिया मिशन के लिए वैज्ञानिकों का चयन हो रहा था, तो 2,962 प्रतियोगियों में उन्हें चुना गया। इसके लिए उन्होंने कठोर परिश्रम किया। 19 नवंबर को पहली बार वह अंतरिक्ष यात्रा पर चली। जब वह अंतरिक्ष में थी, तब तत्काल प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने उनसे बात करी, उन्हें अभियान की बधाई दी। अमेरिका ने दूसरी बार जब अंतरिक्ष में जाने का कार्यक्रम तय किया, तो उसके लिए चुने जाने वाले अभियान में फिर कल्पना चावला को चुना गया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना एक बार फिर कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र की ओर से अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने 16 दिन के इस अभियान में 80 प्रयोग किए। 19 जनवरी 2003 को इस अभियान दल के सदस्यों ने अपने मिशन को कामयाब बताया। जब यह अभियान दल 1 फरवरी 2003 को वापस लौट रहा था, तो धरती से कुछ मिनट की दूरी पर इस दल का यान भयानक विस्फोट के साथ ख़त्म हो गया। इस अभियान दल के सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भारत की यह बहादुर बेटी दिवंगत हुई। कल्पना के इस दुर्भाग्यपूर्ण अंत से दुनिया बहुत चकित रह गई। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कल्पना चावला को श्रद्धांजलि देते हुए यह घोषणा की कि उनकी स्मृति में अंतरिक्षयान मैटसैट का नाम कल्पना वन रखा जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ बचेंद्री पाल के बारे में कि बचेंद्री पाल कौन, कैसे, क्या थी। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, बचेंद्री पाल का जन्म 1954 में चमोली जिले में एक परंपरागत परिवार में हुआ था। बचेंद्री पाल के भाई को पहाड़ पर चढ़ना अच्छा लगता था, किंतु जब भी वह पहाड़ पर चढ़ने की बात कहती तो उसे डांट दिया जाता था। इससे उसके पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा और बढ़ती चली गई। 8वीं पास की तो पिता ने उसे पढ़ाई का खर्च देने से बंद कर दिया। बचेंद्री पाल ने इसका रास्ता तलाश लिया। उन्होंने सिलाई का काम करना शुरू कर दिया। वह सिलाई कर पढ़ाई का खर्च चलाने लगी। इस तरह वह स्वयं पैसा कमाने लगी और उन पैसों से उन्होंने आगे जो है संसद से MA किया है, BEd वगैरह किया है। अगस्त 1983 में जब दिल्ली हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, तब तेंजिंग नारगे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष थे और जुंगे ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी से मिली। उनसे मिलकर उन्हें संकल्प कर लिया कि वह भी एवरेस्ट पर चढ़ेगी। वह दिन भी आ पहुंचा। पाल ने 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट पर झंडा फहराया। उस समय उनके साथ अंग दुराजी थे। तो यहाँ देखा जाए, मैंने आपको जो है दोनों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया यहाँ पर, कि जो हमारे जो कल्पना चावला है उनके बारे में, बचेंद्री पाल है उनके बारे में। तो चलिए, अब थोड़ा सा इनसे जुड़े हुए कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर बनते हैं जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, थोड़ा सा उनको समझ लेते कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला में ऐसा कहा जाता है, एवरेस्ट अभियान दल में बचेंद्री के साथ निम्न में से कौन था? तो बहुत आसान है कि यहाँ देखें आपको ऑप्शन दे रखे हैं तेंजिंग, हंसादेई और यहाँ पे जुंग किताबी अंगदुराजी। तो हमारे इसमें क्या बनता है, हमारे यहाँ पर नंबर 4 हमारा बनता है अंगदुराजी। तो ये हमारा आंसर बनता है अंगदुराजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में ऐसा कहा जाता है, बचेंद्री का पर्वतारोही बनने का संकल्प किस बात से मजबूत हुआ? तो यहाँ पे देखा ऑप्शन में आपको दे रखा है, पिता द्वारा पढ़ाई का खर्च न देने से, लड़की होने के कारण उपेक्षा से, सिलाई द्वारा प्राप्त आमदनी से, उच्च शिक्षा से प्राप्त आत्मविश्वास से। तो यहाँ देखा जाए लड़की होने के कारण उपेक्षा से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साथ में आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो एग्ज़ाम करते हैं तो आपको करना है क्या है, जितने भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं आप उनको वर्ड लिमिट में करिए, उससे ज़्यादा मत करिए। उससे ज़्यादा करेंगे तो नंबर तो आपको ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी जो लिमिट बनती है तो आपको उतना ही करना है। आप चाहे उसको कितना भी बड़ा कर लो, नंबर तो उतने ही मिलने हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप आंसर करते हैं वो एक लिमिट में करिए। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 में आपसे कहा जाता है,
कल्पना चावला को लोगों ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई करने से क्यों मना किया? कल्पना जिस राज्य की रहने वाली थी वहाँ के लोग तब लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। उनकी नज़र में लड़कियों को थोड़ा बहुत पढ़ाओ और शादी ब्याह कर दो, यह बस यही उनकी जिम्मेदारी थी। यह कल्पना ने स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद चंडीगढ़ जाकर पढ़ाई करने का मन, तो उसे अपने घर वालों के रिश्तेदारों के विरोध करना पड़ा। वे नहीं चाहते थे कि कल्पना आगे पढ़ाई करे, ज़्यादा पढ़ लेगी तो आगे क्या होगा, शादी वगैरह में दिक्कत होती है। तो जिस वजह से यहाँ पे देखा है उनको थोड़ा सा पढ़ाई को लेके दिक्कत परेशानी वगैरह हुई, तो वो सीधे आगे बढ़ते। अब बात करते पश्चिमचार की। पश्चिमचार में कहा जाता है कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आसान सवाल है, मैं आपको बताना है कल्पना चावला उनका जो जन्म है कब हुआ था कहाँ हुआ था। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के अम्बाला शहर में सन 1961 में हुआ था। तो को मुश्किल नहीं होता ने, तो उसी आगे बढ़ते। प्रश्न पाँच में ऐसा कहा जाता है कल्पना चावला ने उच्च शिक्षा कहाँ से और किस विषय में प्राप्त की? कल्पना चावला ने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोटिकल इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त करी। तो कोई मुश्किल नहीं आसान है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छः में ऐसा कहा जाता है बचेंद्र पाल ने कब एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराया? बचेंद्र पाल ने 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर एवरेस्ट पर झंडा तिरंगा फहराया था। तो ये हमारा बहुत आसान सवाल है। तो देखा जाए, मैं आपके लिए ज़्यादा सवाल नहीं लेकर आया, लेकिन जो भी आपके लिए सवाल लेकर आऊँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपकी तैयारी अच्छे से करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपको बनता है प्रश्न 7। प्रश्न 7 में ऐसा कहा जाता है मेट सेट का नाम कल्पना वन किसने और कब रखा? तो बहुत जरूरी सवाल है और बहुत आसान है। कल्पना को संसद में श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पर अंतरिक्ष यान मेट सेट का नाम कल्पना वन रखा। तो बहुत आसान है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 में ऐसा कहा जाता है बचेंद्र पाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपको बहुत आसान है, यहाँ पे आपको बताना है बचेंद्र पाल उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल का जन्म 1954 में चमोली जिले में हुआ था। तो आसान है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 में ऐसा कहा जाता है बचेंद्र पाल ने अपनी पढ़ाई का खर्च किस प्रकार उठाया? बचेंद्र पाल ने 8वीं पास करने के बाद अपनी पढ़ाई का खर्च सिलाई का काम सीख कर उठाया, और इस प्रकार संस्कृत में MA और बाकी की इन्होंने आगे पढ़ाई करी, BEd वगैरह करा। क्योंकि जब देखा जाए 8वीं पास करी तो उनके पिताजी ने जो आगे पढ़ाई करने से जो है तैसा मना कर दिया था, खर्चा उठाने से मना कर दिया था, तब इन्होंने जो देखा जाए अपना सिलाई का काम करके अपना आगे पढ़ाई जारी रखी। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 में ऐसा कहा जाता है पहाड़ों पर चढ़ने की प्रेरणा बचेंद्र पाल को किससे मिली? तो बहुत आसान है, बचेंद्र पाल के भाई को पहाड़ पर चढ़ना अच्छा लगता था। जब वह पहाड़ों पर चढ़ने की बात कहती थी तो भाई उसे डांट देता था, इससे उसका मनोबल बढ़ा और पहाड़ों पर चढ़ने की इच्छा मजबूत होती चली गई, बलवती होती चली गई। तो इसीलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 11 में से कहा जाता है कल्पना अमेरिका कब गई और वहाँ उसने क्या उपाधि प्राप्त करी? कल्पना चावला चंडीगढ़ में पढ़ाई पूरी करने के बाद 1982 में अमेरिका गई, वहाँ उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। यहाँ उसने टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MS की डिग्री ली। इसके बाद उसने बोल्डर के कोलोराडो विश्वविद्यालय से 1988 में एरोस्पेस में PhD की डिग्री प्राप्त करी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 में से कहा जाता है अंतरिक्ष यात्रा के लिए कल्पना चावला का कब चुनाव हुआ और किसने किया? अंतरिक्ष यात्रा के कोलंबिया मिशन के लिए कल्पना चावला का चुनाव किया गया। वह 2,962 विज्ञानियों में सर्वाधिक योग्य पाई गई और 19 नवंबर को पहली बार अंतरिक्ष यात्रा के लिए निकल पड़ी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 13 की। प्रश्न 13 में ऐसा कहा जाता है कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष यान अभियान कैसा रहा? कल्पना चावला के पहले अभियान पर स्वर्गीय इंद्र कुमार गुजराल ने बधाई दी। यह अभियान उसका सफल रहा। इस दौरान उसने कई प्रयोग किए, अपनी क्षमता का लोहा मनवा लिया। तो ये भी आसान सवाल है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 14 की। प्रश्न 14 में ऐसा कहा जाता है कल्पना चावला दूसरी बार कब अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना हुई? कल्पना चावला दूसरी बार 16 जनवरी 2013 को एक बार फिर कैनेडी अंतरिक्ष या केंद्र से यात्रा पर रवाना हुई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 15 में ऐसा कहा जाता है कल्पना चावला का दूसरा अभियान कैसे रहा? कल्पना चावला का दूसरा अभियान कामयाब रहा। वह 16 दिन अंतरिक्ष में रही और उसने 80 प्रयोग किए। इन प्रयोगों में मानव शरीर, कैंसर कोशिकाओं की परीक्षा और कीट पतंगों की भारिनता शामिल थे। 29 जनवरी 2003 को इस अभियान दल के यात्रियों ने अपने मिशन को कामयाब बताया। तो इसलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
प्रश्न 16 में से कहा जाता है, कल्पना चावला की मृत्यु कब और कैसे हुई? बहुत जोरी सवाल है, कई बार आपके पेपर में आए भी है। 1 फरवरी 2003 को जब कल्पना चावला अपने अभियान में सफल होकर अंतरिक्ष यान से धरती की ओर लौट रही थी, तभी पृथ्वी से कुछ मिनट की दूरी पर इस दल के यान में अचानक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के साथ यह यान नष्ट हो गया। इस अभियान दल के 7 साथियों के साथ भारत की यह बहादुर बेटी अंतरिक्ष में खो गई। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पर देखा जाए आपके लिए जो जो जरूरी सवाल बनते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी सवाल बनते हैं, उनको लेके मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आप इन क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करिएगा, बाकी आपके जो भी सब्जेक्ट बनते हैं, आपके जो भी चैप्टर बनते हैं, आप उनकी भी तैयारी अच्छे से करिए। दोस्तों, मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST Learning Center, एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ग्रुप से ज्वाइन होने का लिंक दिया गया है, जहां से आप डायरेक्ट फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस ग्रुप में आपके जैसे हजारों हजारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आपका आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल असाइनमेंट और NOC की पढ़ाई लिखाई को लेकर कई सवाल जवाब आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हजार विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोजाना 40-60 विद्यार्थियों के सवालों का जवाब दे पाता हूँ। इसे ज़रूरी है कि आप इस ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।